पार्टी की सरकार की तरफ से पहला बजट पेश किया गया और आज बजट सत्र की कार्यवाही के चौथे दिन बजट पर चर्चा की जा रही है। अब ऐसे में विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि बजट पूरी तरीके से जनता को गुमराह कर देने वाला है और पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का ये भी कहना है कि जो बजट पेश किया गया है वो महज जनता को गुमराह कर देने वाला बजट है। सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने का भत्ता दिया जाएगा, लेकिन इसका बजट में कोई भी जिक्र नहीं था। यहां तक 1 जुलाई से फ्री बिजली देने का वादा है, उसकी अगर बात करें तो अभी तक ये बताया नहीं गया है कि फ्री बिजली किन्हें दी जाएगी और वो लाभार्थी कौन होंगे और पैसा कहां से आएगा। देखिए पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर की खास बातचीत। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं और पंजाब सरकार की तरफ से पहला बजट इस बार पेश किया गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से अपना पहला बजट पेश किया? पहली गलत है कि पंजाब का बजट लगता ही नहीं है। लगता कि इसकी जी ड्राफ्टिंग है वो दिल्ली तो ही है और दिल्ली के साए तो मान साहब जदों तक नहीं निकलेंगे और ये सरकार नहीं निकलेगी उदों तक पंजाब का भला नहीं हो सकता और पूरी तरह नाल भ्रमित करने वाला बजट है और चुनाव च किए जड़े वादे है उही दोहराए गए ने पर उन्होंने कंक्रीट पूरा करने के लिए कोई योजना इन्हां कोल नहीं है। और जड़ा मुख्य मुद्दा जड़ा इन्होंने पंजाब के अंदर पहली कलम नाल करना सी 1,000 रुपये वाला उहदा जिक्र तक नहीं किया। 300 यूनिट बिजली माफ़ करन दी जुलाई तो गल कर रहे हैं पर उहदे लाभपात्री कौन होणगे? 200 यूनिट बिजली ऑलरेडी लोगों नूं मिलदी पई सी पहला और इहदे ते किन्ना खर्चा आएगा की इन्हां दा ब्लू प्रिंट है और वो खर्चे की भरपाई ये कित्थों करनगे? मतलब इन्हां दा हाल ये है कि आमदन इन्हां दी 54 है ते खर्चा इन्हां दा रुपया है। ये जिहड़ा लगभग 60,000 करोड़ रुपये का खर्चा ज़्यादा है इन्हां दी आमदनी तो ये 60,000 करोड़ रुपये का क्या सरकार लोन लेगी? क्या पंजाब दे उत्ते एक होर भार पाएगी? ये सारा देखने वाला मामला है और मैनू ये लगता है कि पूरी तरह नाल ना छोटे व्यापारी लिए कोई सहूलत है। करोना की महामारी रही जिथे 300 यूनिट बिजली अभी पता नहीं दे पानी है जो नहीं पानी, उन्होंने छोटे व्यापारी इंडस्ट्री नू और गरीब आदमी नू कोई सहूलत सरकार ये दिंदी वो कित भी नज़र नहीं आई। सर, अगर हम बात करें फ्री बिजली की, क्योंकि अब 3 दिन का वक्त रह चुका है और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हर घर को फ्री बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट फ्री बिजली, क्या लगता है कि हर घर को मुहैया करवाई जाएगी? मैनू तो लगता ही नहीं है, मैनू तो लगता ही नहीं है दे पाएंगे क्योंकि ये केवल घोषणा नज़र आ रही है। हूँ तक इन्हों की तैयारी की है उन्होंने देने, क्या इन्होंने सारे देनी है, क्या इन्होंने कोई वो मापदंड रखे है? फिर 300 यूनिट तो अगर 1 रुपया भी 1 यूनिट भी उपर हों तो उन्होंने क्या 1 यूनिट के पैसे देने पैणगे या 300 के भी ऐड हो जाएंगे? ये सारिया गल् सरकार को स्पष्ट करनिया चाहिए सी, वो सरकार ने नहीं कीतियां है। महिलाओं को 1,000 रुपये देने का जो सालाना जो महीने का भत्ता देने का वादा किया है, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वित्तीय हालात ठीक नहीं है, जब अर्थव्यवस्था पटरी में आएगी उसके बाद ये वादा भी पूरा। पहली गल तो यह है कि जो ये चुनाव लड़ रहे थे क्या पंजाब की आर्थिक स्थिति की उदों इन्हों जानकारी नहीं सी? किसी ने कोई बंदूक रख के थोड़ा घोषणावान करवाई? पंजाब की वित्तीय स्थिति जो उस वेले सी जानकारी होंदे हुए भी यदा मतलब तुम लोगों नाल केवल वोटों की फसल लैन कट्टन दे लई ये लोक लुभाने वादे जड़े कीते ने और उन्हों अज पूरा करन तो तुम पेट दिखा रहे हो। धन्यवाद सर, ये थे पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, जिनकी तरफ से कहा गया है कि बजट पूरी तरीके से पंजाब की जनता को भ्रमित करने वाला है और साथ ही इनका आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की जनता को उतना समय नहीं दे रहे हैं जितना समय उन्हें देना चाहिए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।